लास्ट स्टेप करना है वो ये है कि हमें टैबलेट्स को एडजस्ट करना है। तो अब मैं आपको टैबलेट्स को एडजस्ट करने का तरीका बताऊंगा। टैबलेट्स को एडजस्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि इसको टॉप पोजीशन पर करना है, पीछे लाइन को भी आपने टॉप पोजीशन पर रखना है। और टॉप पोजीशन पर रखने के बाद आपने ये ऊपर वाला जो नट है इस नट को आपने लूज़ करना है। और आपने जैसे कि ये मेरे पास टैबलेट गोटी है, तो टैबलेट गोटी को आपने सिंपली इस जगह पर रखना है और रख के आपने ऐसे रोटेट करना है ऐसे। जैसे कि अभी टाइट है, मैंने टैबलेट्स एडजस्ट किए हुए हैं, तो आपने इसको रोटेट करना है। रोटेट करके आपने इसको हाथ के मत से ऐसे हिलाना है, तो बिल्कुल नॉर्मल सी इसमें ना प्ले होनी चाहिए, जस्ट टाइप के मतलब बिल्कुल नॉर्मल सी इसमें थोड़ी सी प्ले होनी चाहिए। और उस प्ले पे जब आप थोड़ी सी प्ले आ जाए, उसके बाद आपने उसको वापस एज इट इज़ ऐसे इस जगह पर रखना है। इस जगह पर रख के आपने आर्ट की आप चाबी की मदद से या रिंग पानी की मदद से आप इसको दोबारा इसको पकड़ना है ऊपर से और नीचे से नट को टाइट कर देना है ताकि टैबलेट्स अपनी जगह से हिल ना सकें। तो इसको आपने एडजस्ट करना है। उसके बाद आप नीचे वाली साइड पे आ जाए, तो नीचे वाला टैबलेट है, इसको भी इसी तरीके से आपने ये वाला नट खोलना है। नट खोल के आपने इसको मतलब ऐसे गोटी की मदद से, या आपने गोटी रखी, गोटी की मदद से आपने इसको लूज़ करना है। थोड़ा सा लूज़ करके आपने इस तरह ला जुला के, ये देखिए आपको अगर आवाज़ आ रही हो तो ये इसमें प्ले की निशानी है कि इसमें इतनी प्ले होनी चाहिए। तो ये इसमें प्ले है, तो ये एडजस्ट है। तो आपने इस तरह का थोड़ी सी इस तरीके से प्ले दे के आपने इसको वापस अपनी जगह पे एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर कवर लगाना है। कवर लगा के आपने दोबारा अपना बाइक स्टार्ट करना है। और अभी मैं इसके ऊपर कवर वगैरह लगा के टिक्की को बंद करके